हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। और मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ अपना नॉर्मल वाला रूटीन शेयर करती हूँ, कि आज तक मैं आपको परफेक्ट वाला रूटीन शेयर कर रही थी ना, तो उसके पीछे का भी दिखाती हूँ। कभी कभी दिन ऐसे भी जाते कि आपकी हालत इतनी खराब होती है, पूरा घर ऐसे फेल रहा होता है, आप देख सकते हो। और आपसे कुछ भी नहीं किया जाता, कृष्णा के टॉय चारों तरफ फेल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई नहीं। बट इस वक्त मैं लेटी हुई हूँ, मुझसे लेटा भी नहीं जा रहा। प्रॉपर कहोगे ना आप कि मैं प्रॉपर लेट सकूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं लेट पा रही हूँ। मुझे इतना ज़्यादा बैक में दर्द हो रहा है ना आज, बस बहुत हो रहा है। और उसके साथ साथ मुझे ना हिप्स में, इस वाले पार्ट में आपको बताऊँ तो यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, इतना हो रहा है कि सहन नहीं हो रहा। और मैं लेटती हूँ ना तो मुझे ज़्यादा दर्द होता है, लेटने से तो मेरा दर्द बढ़ जाता है, तो मैं करवट भी नहीं ले पा रही। ऐसे ऐसे करवट लेते ना, वो लेना भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। मुझे ज़्यादा दर्द है ना लेटने पे और करवट लेने पे, जैसे अपन टर्न लेते ना लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुझसे रिकॉर्डिंग भी, कैमरा पकड़ने में भी आज तकलीफ हो रही है। बट मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों के साथ ये वाला पार्ट भी शेयर करना चाहिए कि होता है दर्द, तो आप लोगों को किस तरीके से मैनेज करना है वो भी मैं बताऊंगी। अगर आप लोगों को के साथ प्रॉब्लम हो रही हो तो मेरे को कमेंट करके बताना, फिर मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। दिल्ली में इस टाइम पे इतना अच्छा टेम्परेचर हो रखा है ना, बाहर बारिश हो रही है, वो भी मई के महीने में। सोचो आज बारिश, इस बार ना ठंड, मतलब आप बोल सकते हैं गर्मी में ठंड का एहसास हो रहा है, फैन की भी नीड नहीं पड़ रही। बट मच्छर हो जाते हैं ना कभी कभी, तो फैन चलाना पड़ता है, वरना अदरवाइज आपको नीड नहीं है। और मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे, थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ तो अच्छा है, नींद से टाइम पास हो जाएगा। बादल गरज रहे, और मैं आपसे जगने के बाद में मिलती हूँ। यहाँ आज बारिश हो रही थी, बस मैंने शाम को चाय बनाई थी, तो चाय के साथ बिस्किट लिए थे और यहाँ पे मैं चाय एंजॉय कर रही हूँ। मम्मा टफर है क्या? मम्मा कुछ नहीं बनाना आता बेटा, कर लो ना। हाँ, नहीं दिख रही, पेंसिल खो गई। और टूट जाएगी इसको अब पूरा देखिए, वो कलर। टूट जाएगी बेटा, बनाओ आगे। आपको तो ये बनाना आता है ना मेरे बेटे को, बहुत चिंते संतरे बनाना आता है मेरे बच्चे को। मारते बच्चे, बहुत मुश्किल है छोटे बच्चों को कभी कभी होमवर्क कराना। कृष्णा, आज मेरी वाइफ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि उसके लिए थोड़े से पकौड़े बना ले जाए। उसे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, फिलहाल मैं उसके लिए पकौड़े तल रहा हूँ। आज मेरा ना बिल्कुल भी है ना मन नहीं कर रहा था खाना खाने का, बहुत दर्द हो रहा था। अब तो वैसे पहले से कम हो गया, पहले बहुत ज्यादा था, अब तो आराम है, बट भूख नहीं लग रही थी। तो इन्होंने सोचा कि मेरे लिए मेरी पसंद की कोई ऐसी चीज बनाई जाए जो खा ले, और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, कंडीशन में बारिश हो रही है, 2 बजे से अभी तक बंद नहीं हुई थी, तो कुछ गरम गरम ये बनाने गए। मुझे नहीं बताया था क्या बना रहे, बट जब लेके आए तो मुझे पता चला कि पकौड़े बना के लेके आए। और मैंने को तो आप जानते हैं, दिनों में मेरा बड़ा मन करता है ऐसे स्पाइसी वगैरह चीज खाने का, तो फिर मैंने तो बिल्कुल भी बना नहीं किया। और मुझसे पहले देखो ये खाने लग रहे हैं मुझे नहीं खिलाया, देख लो अभी तक इन्होंने टेस्ट तक नहीं करवाया कि कैसी बनी है, खुद खा रहे। खिला तो दो, बोलने पे तो खिला दो। देखो 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 देखो, देख लो, ये है जमाना अच्छी बनाई हो। और यहाँ थोड़ा सा स्पाइसी खाना खाने के बाद में मेरा बेबी मूव कर रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं अपना वीडियो बस यहीं पे एंड करती हूँ, छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था दोस्तों।